Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान सूर्यदेव नवग्रह के प्रमुख माने जाते हैं। रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति का आगमन होता है और शत्रुओं का नाश होता है। प्रातः काल में सूर्यदेव की पूजा करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। पर क्या आप जानते हैं, रविवार के दिन कुछ चीज़ों का सेवन करने से सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यदेव सात घोड़ों के रथ पर सवार हैं। इन सात घोड़ों को इंद्रधनुष के सात रंगों से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव का स्वभाव गर्म है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा, इच्छा शक्ति, प्रसिद्ध आँखें, सामान्य जीवन शक्ति, साहस, राजसत्ता, पित्ता और परोपकार की विशेषता रखते हैं। मसूर में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो मांस में पाए जाने वाली मात्रा से अधिक है। इसीलिए इसे देवभोग के रूप में चढ़ाने की मनाही है। रविवार के दिन लाल साग खाना अशुभ माना गया है, क्योंकि इस तरह के मिश्रित अल्पकालिक बारहमासी पौधे को वैष्णव धर्म में मृत्यु का प्रतीक माना गया है। हालांकि लहसुन ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन रविवार को इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लहसुन को अशुभ माना गया है। मछली प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती है। मछली एक मांसाहारी भोजन है, इसीलिए रविवार को इसे खाने से बचना चाहिए। प्याज सेहत के लिए खाना अच्छा माना जाता है, पर रविवार के दिन इसका सेवन सूर्यदेव को क्रोधित कर सकता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार गोमेद यज्ञ में गाय की बलि को एक अनुष्ठान माना जाता है। एक बार एक ऋषि गोमेद यज्ञ कराने वाले थे, जिसमें उन्होंने एक गाय की बलि दी। चूँकि लंबे समय से ऋषि और उनकी पत्नी फल और कंदमूल पर रह रहे थे, तो उनकी पत्नी से भूख सहन नहीं हुई और उन्होंने खाना पकाने के लिए मृत गाय के शरीर से एक टुकड़ा काटने का फैसला किया। जब ऋषि की पत्नी मांस की गंध को सहन नहीं कर पाई, तो उसने उस टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। यह टुकड़ा बाद में दो हिस्सों में बट गया था। इसके बाद शाम के समय जब ऋषि ने गाय को पुनर्जीवित किया, तो जंगल में फेंका गया टुकड़े में जान आ गई। जमीन पर गिरे मांस का पहला हिस्सा लहसुन में बदल गया और दूसरा हिस्सा जो तालाब में गिरा वो मछली भी बन गया। जमीन पर गिरी खून की बूंदे लाल मसूर बन गई। त्वचा प्याज में बदल गई और हड्डी लाल साग में बदल गई। इसीलिए कहा जाता है कि रविवार के दिन इन चीजों को खाना अशुभ माना जाता है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।